से मरहूम इसाक साहब उनके पास आई, उसको 480 का केस करना था। उसकी हालत देख के मैंने इसाक साहब को कहा इसको एप्लीकेशन बना के दो। घर का बाथरूम बनाने के लिए 3500 देता हूँ मैं। आई बाजे मोबाइल में स्टेट डोडा, मेरे पास एक केस आया 488 का, औरत को वकील देगा मतलब लीगल एड से काम के। तो मैंने कोशिश की कि चलो इनकी सुलह करा के, मैंने पूछा लेडीज को, पूछा दोनों को बैठाया अपने पास, पूछा भाई क्या बात है, क्या क्या चाहते हैं आप। बैंक की लेडी अपीयर, जब औरत मेरे पास आई मतलब उसने अपना मतलब शिथम भर थाई कि जनाब मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ इसको पुत्र बनाना। हाँ, लीगल सर्विस अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बन गई, स्टेट लेवल पे बन गई, नेशनल लेवल पे बनी है। इसलिए कि कोई गरीब ये ना कहे कि मुझे, मैं कानूनी तौर पर मतलब पीछे रह गया हूँ, मुझे अमीर ने जो दबा दिया। इसके हकदार कौन कौन है, इस कानूनी इमदाद के हकदार कौन कौन है? कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, कोई सनती वर्कर, कोई जैसे कस्टडी में है तो उसको भी मिलती है। लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, जैसे आजकल मतलब ड्रग माफिया बढ़ रहा, रेप केसेस हैं, जैसे मैंने जहां पूंछ में देखा, ये मत सोचना कि मेरा मुझे वकील फ्री मिलेगा और मैं इन कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मुलव्वस हूँ। उससे कैरियर किसका? आप लोगों का तबाह होगा। वकील तो आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन बेड़ा करके आपका होगा। जेल में रहना किसको रहना? आप लोगों को रहना। इसलिए मतलब सोच समझ के काम करो, जो भी करो। पॉलिटिकल बेसिस पे हो रहे हैं, गरीब आदमी को अंदर ठोका जा रहा है। जैसे मैं मरूफ साहब हूँ उस केस में, गरीबों को बेचारों को पता नहीं, जैसे मुझे पता चला मैंने एक क्रॉस एग्जामिन दी बिटनेस, तो मतलब ये जी पोलिटिकल मुझे पंचायत में वोट नहीं दिया, तो दैट इज वाई ही वॉज इम्प्लीकेटेड। मतलब इसकी मंशा कुछ और है, इसको मिस यूज नहीं करना कभी भी। आजकल बहुत सारी स्कीमें सरकार ने बनाई हैं गरीबों की सुनवाई के लिए, उनका फ़ायदा लेना है बड़े प्यार से, मिस यूज नहीं करना है उनको। जैसे हमारे सीजीएम साहब ने कहा है कि मुकदा मुकदा मुक जाता, मतलब पैसा तो ख़त्म होगा ही होगा, मतलब लिटिगेशन को इतनी आसान नहीं है। आपको बरादरी में फैसला होगा, लोक अदालत में फैसला होगा, बिल्कुल जैसे आए थे वैसे चले, आपका भाईचारा जो बराबर रहेगा, पैसा आपको कोई नहीं लगेगा। क्वालिफाइड वकला जो कंपटीशन फेस करके आए हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल्स में भी ऐसे लोग, नादार लोग जो हैं उनके लिए वो आगे आ सकते हैं, उन्हें अपॉइंट किया जाता है। मैं जो देहात से आए हुए हजरात हैं उनसे एक बात कहूँगा कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो जतन करती है कि ऐसे लोगों को सहूलत दी जाए, उन्हें इमदाद दी जाए, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी ऐसी लालच कार फरमा होती है कि हम आने का मकसद यह है कि आप लोगों को ये जानकारी दी जाए कि जैसे पहले होता था कि जो अमीर आदमी था वो गरीब को दबाता था और गरीब जो है उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकता था और वो इंसाफ हासिल ना कर सकता था। तो इसके साथ ही कुछ कानून बनाए गए जिसका पहले ही जो है तफसील में बताया गया आपको, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ ऐड करते हुए आपको बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी में दो परेशानियाँ जो है इंसान को वो बहुत बड़ी परेशानी मानी जाती हैं। एक तो हो गया बीमारी और दूसरा हो गया मुकदमा। कहते हैं कि जिस भी बंदे को मुकदमा या बीमारी लग जाए तो उसकी जेब से पैसा मुकदा मुकदा मुक जाएगा और उसका जो है सेहत जो है वो बंदा सुखदा 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 सुख जाएगा। तो वो उसका पैसा भी कम खर्च हो और उसका सेहत भी जो है वो भी ठीक रहे, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है ये काफ़ी स्कीमें जो है रखी हुई हैं, जैसे कि फ्री लीगल एड सर्विसेज स्कीम जो है। तो इसमें जो गरीब आदमी है उसको अदालत से वकील फ्री दिया जाता है और उसकी फीस जो है वो गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। और दूसरे और हर आदमी जिस
कि कानूनी हकूक जो है इंसाफ हासिल करने के लिए जदोजहद जो उसके लिए करने की जरूरत है उसमें या कानूनी मशीर वक्त पर ना मुहैया होने की वजह से हार के न बैठ जाए या पीछे न रह जाए या वो घर से कदम बाहर ही न निकाले। और वो इंसान कि जिसके साथ ना इंसाफी होती है और इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए ताकि हर इंसान अपने हकों के लिए अपनी बात और बेहतर अंदाज में अदालत के पास भी एक कानून दान के सामने रख सके और अदालत को इंसाफ करने में आसानी होगी। उस वो ये रखा गया था कि थ्रू लीगल सर्विस कोई उसके लिए कुछ कैटेगरीज जो हैं ज़्यादा। आज की डेट में भी मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में अभी तक बहुत सारे लोग जो हैं तो किसी ने बहुत ठीक कहा हमें वो निज़ाम पसंद नहीं जहाँ गरीब गरीब होता जाए और अमीर अमीरतर होता जाए। इस बात को इक्वालिटी लाने के लिए हमारी पार्लियामेंट ने ये 1987 में एक कानून पास किया कि जो गरीब लोग हैं उनको एक एड प्रोवाइड की जाए कि वो भी अपने हकूक की तहफ़ करें अपने मुकदमा जो है अदालतों में या कहीं भी किसी मामला में वो इनको इनकी जो है वो ठीक तरह से पैरवी कर सके। 1982 में पहली बार राजस्थान में लोक अदालत का एक इंकशाफ हुआ और उस 1987 में फिर पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और आखिरकार 9 नवंबर 1995 को जो है ये वाजही तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया और एक्ट बन के सामने आया कि पूरे मुल्क में ये निज़ाम लागू किया जाएगा कि इसमें के गरीब लोग जो हैं उनको कानूनी तौर पर सरकार की जिम्मेदारी बनती है किसी रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उन तक जो है ये पहुंचाया जाए मैसेज कि उनके लिए सरकार ने कानून बनाया है कि उनको मुफ्त कानूनी जो है वो सलाह करने के लिए कानून वकील अंगेज करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब इब्राहिम एसोसिएशन बार एसोसिएशन। सर बताएंगे कि आज जो लीगल सर्विस थर्टी की तरफ से प्रोग्राम मनाया गया इसके हवाले से आवाम को किस तरह का मैसेज है? आज 9 नवंबर 2023 को ये जो लीगल सर्विस 30 डेज मनाया जाता है इसका वजूद 1995 में वजूद में लाया गया था और उसके बाद हर साल 9 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए कि कोर्ट में एक अदारा है जिसको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कहा जाता है जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और हर स्टेट में और ये पूरे हिंदुस्तान में है जिसमें गरीब लोगों को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से उनको सरकार की तरफ से उनका क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो उसके दिफा के लिए वकील उनको दिया जाता है। और इसको इस अदारे की तरफ से ये वकील इसलिए दिया जाता है ताकि कोई भी शहज़ोर कोई ताकतवर किसी गरीब को किसी कमज़ोर को ना दबा सके और हर इंसान को अपना हक हासिल करने के लिए इंसाफ हासिल करने के लिए अपने केस का दिफा करने का हक हासिल हो सके। आज उसी सिलसिले में ये दिन मनाया गया है ताकि घर घर मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव ये पैगाम पहुंच सके कि अदालत में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं आपके पास वसाइल नहीं हैं तो आपको डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से इमदाद दी जा सकती है अपने सिविल और क्रिमिनल केस के दिफा के लिए। इसी हवाले से आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स पुंछ में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के तरफ से एक प्रोग्राम मुनअक़द किया गया जिसमें वकला की कसीर तादाद हमारे तमाम जजेस और लिटिगेंट्स ने शिरकत की और इसमें का बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम तकरीबन 1.5 घंटे का हुआ है जिसमें इस डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पर मुफस्सल रोशनी डाली गई है। और अब ये आज हर साल ये 9 नवंबर को ये दिन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी डे मनाया जाएगा।
थैंक यू सर, शुक्रिया।